बता पाओ तो वो अपनी कायरता होती है, लेकिन सुनने वाला कहीं मैं सुनना चाहता हूँ। यह खबर कैथल से। हरियाणा प्रदेश आज बेरोजगारी मामले में नंबर एक पर है। भाजपा की सरकार ने 10 सालों से युवाओं के अधिकारों को लूटने का काम किया है। SC BC सब प्लान खत्म करके गरीब पर कुठाराघात करने का काम किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव व सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। हेल्पिंग हैंड हरियाणा द्वारा आयोजित युवा परिवर्तन सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे रणदीप सुरजेवाला व आदित्य सुरजेवाला ने युवा साथियों को संबोधित किया। भारत सरकार के जवाब के अनुसार देश में बेरोजगारी और देश में अपराध दर में हरियाणा नंबर एक क्यों है 10 साल की आपकी सरकार के बाद। आज वो हरियाणा बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में पंजाब से आगे पहुंच गया। हरियाणा आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया इस सरकार ने, कानून व्यवस्था अपराध में। और ऐसी स्थिति बनी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो परसों संसद में मैंने बात कही है, देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनसे केंद्र सरकार टैक्स ज्यादा लेती है और प्रदेशों को कम राशि मुहैया कराती है, लेकिन सबसे कम 28 राज्यों में अगर सबसे कम राशि दी जा रही है किसी प्रदेश को तो हरियाणा प्रदेश को। 7 रुपए ले जा रहे हैं और मात्र 1 रुपया वापिस दिया जा रहा है। 7 रुपए केंद्र सरकार टैक्स में लेती है और 1 रुपए वापिस, और हरियाणा की सरकार आवाज भी नहीं उठा रही। देश में सबसे कम रेशियो है ये, बाकी 28 प्रदेशों में, ज्यादातर प्रदेशों में ज्यादा मिलता है वापस। 8 प्रदेश है जहां जो डील लिया जाता है उससे कम मिलता है, उन 8 प्रदेशों में भी अंतिम जो है पंक्ति पे हरियाणा राज्य खड़ा है, तो 15% वापस मिलता है। तो कितनी बड़ी अनदेखी, यहां तक कि खेल बजट, बाकी बजट तो छोड़ दो, खेल बजट में भी हमारा नंबर नहीं है हरियाणा का। आज मेडल आ रहे हैं ओलंपिक में।